नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो पेश है हिमाचल प्रदेश के दिन भर के मुख्य समाचार। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है कोरोना कर्फ्यू, हिमाचल में 31 मई के बाद मिल सकती हैं रियायतें, सीएम जयराम ने दिए अनलॉक के संकेत। हिमाचल प्रदेश में 31 मई के बाद चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 के मामलों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए प्रदेश सरकार 31 मई के बाद धीरे धीरे और चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है, बशर्ते कोविड-19 के मामलों में निरंतर कमी आए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को व्यापार मंडल की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू के कारण व्यापारी वर्ग को पेश आ रही परेशानियों के प्रति संवेदनशील है। नेक्स्ट अपडेट है प्रदेश भर में मजदूर यूनियनों ने प्रदर्शन कर मनाया काला दिवस। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और संयुक्त के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू ने जिला ब्लॉक मुख्यालयों कार्यस्थलों में प्रदर्शन कर राष्ट्रीय काला दिवस मनाया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश में हजारों मजदूरों ने अलग अलग जगह कोविड नियमों का पालन करते हुए अपनी भागीदारी की। सरकार से मांग की है कि मजदूरों को वर्ष 2021 में भी 2-2 की 3 किस्तें जारी की जाए। इसके अलावा मजदूरों ने किन कारणों को लेकर जो है सरकार का विरोध किया है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन तक उपलब्ध नहीं करवा पाई है। कोरोना काल में 15 करोड़ मजदूर नौकरियों से वंचित हो चुके हैं। मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को खत्म कर मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड बना दिए। हिमाचल में 5,000 से ज्यादा कारखानों में कार्यरत लगभग 3.5 लाख मजदूरों के काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए। किसानों के खिलाफ 3 काले कृषि कानून बना दिए गए। तो नेक्स्ट अपडेट है शराब की दुकान से खरीद सकेंगे 4 से ज्यादा बोतलें, सरकार ने हटाई सीलिंग। जयराम मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर की गई वित्त वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के लागू होने पर सूबे के शराब ठेकेदार एक व्यक्ति को 4 से अधिक शराब की बोतलें बेच सकेंगे। हालांकि शराब का एक से दूसरे स्थान पर परिवहन करने वालों को 4 से अधिक बोतल ले जाने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शराब ठेकेदारों की सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई शराब नीति में यह नया प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बात करें तो MRP से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर जुर्माना घटा। तय मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर लगने वाले जुर्माने को नई नीति में घटा दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब अगर कोई शराब वेंडर MRP से ज्यादा दाम पर शराब बेचता मिलेगा तो उसके खिलाफ 50,000 के बजाय 25,000 रुपए का जुर्माना ही लगेगा। नेक्स्ट अपडेट है केंद्रीय कर्मचारियों की किस्मत खुली, सैलरी के साथ EPF खाते में आएगी मोटी रकम। कोरोना वायरस के बीच मोदी सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। उम्मीद है कि जून महीने तक महंगाई भत्ते पर रोक हटा दी जाएगी, इसके बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा। सैलरी में इजाफा होगा, रुकी हुई 3 किस्तों का भी भुगतान होना है। इस भुगतान के साथ ही कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, मतलब सैलरी बढ़ने के साथ साथ खाते में ज्यादा पैसा जमा होंगे। इसके अलावा इसका फायदा उन्हें रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। दरअसल 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बहाल होने वाला है, पिछले साल से रुकी हुई किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की 3 किस्त की सैलरी तो आएगी ही, साथ ही उनके प्रोविडेंट फंड में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। तो नेक्स्ट अपडेट है सलूनी की बियाना पंचायत में पिता के साथ पशु चराने जा रहे एक कॉलेज छात्र की संदिग्ध मौत। सलूनी उपमंडल की बियाना पंचायत में एक कॉलेज छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। मृतक की पहचान जगदीश कुमार निवासी गांव कैला पोस्ट ऑफिस सुरगानी के तौर पर की गई है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। बुधवार सवेरे कैला गांव का जगदीश कुमार अपने पिता के संग खेतों में काम करने और पशु चराने के लिए जा रहा था। इस दौरान रास्ते में अचानक जगदीश कुमार को उल्टी होने के साथ ही वो जमीन पर गिर पड़ा। इस पर परिजन तुरंत उसे उठाकर उपचार के लिए CHC सलूनी ले आए, जहां मौजूद चिकित्सक जगदीश कुमार को मृत घोषित कर दिया है।
नेक्स्ट अपडेट है, तीसरी लहर से पहले ही कांगड़ा में 2000 बच्चे संक्रमित। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कयासों के बीच देश के सबसे संक्रमित जिलों में शुमार हो चुके कांगड़ा जिले में इससे पहले ही 2000 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना महामारी ने जब से अपने पैर पसारे हैं तब से लेकर अब तक जिला में 2000 से अधिक बच्चों को कोरोना अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हालांकि आंकड़ा हैरत में डालने वाला है, लेकिन सुखद बात यह है कि इनमें से अधिकतर बच्चे कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानों में 29 मई तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व निचले भागों में 29 मई तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इन क्षेत्रों में 30 व 31 मई को बारिश अंधड़ के आसार है। वहीं 29 मई से 1 जून तक प्रदेश के मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश अंधड़ व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोविड 19 की सैंपलिंग कर रहे कोरोना वॉरियर के साथ दो युवकों ने की गाली गलौज। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में रीजनल अस्पताल ऊना में कोविड 19 की सैंपलिंग की ड्यूटी पर तैनात फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ दो युवकों द्वारा गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर इन युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस संबंध में मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना 10 मई की बताई जा रही है। नेक्स्ट अपडेट है, जयराम जी शराब की बोतल नहीं सरसों के तेल की बोतल को सस्ता करो। शिमला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव महेश्वर चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार शराब कारोबारियों की तरह मेहरबानी कोरोना से पीड़ित और बढ़ती महंगाई से त्रस्त हिमाचल की आम जनता पर करे। आज प्रदेश बुरे दौर से गुजर रहा है और प्रदेशवासियों को सरकार की संवेदनहीनता के कारण कोरोना और कमर तोड़ महंगाई का दोहरा दंश झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शराब की बोतल नहीं बल्कि सरसों के तेल की बोतल को सस्ता करने की आवश्यकता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें आम जनता की पहुँच से बाहर हो रही है। इसके अलावा महेश्वर चौहान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आम जनता जनमानस को राहत देने के बजाय शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने की है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में आवश्यकता शराब का कोटा बढ़ाने की नहीं है अपितु आम जनता के लिए सस्ते राशन का कोटा बढ़ाने की है, उन्हें रियायती दरों पर राशन मुहैया करवाने की है। अन्यथा कांग्रेस के शासन में आरम्भ हुई सस्ते राशन की यह प्रभावी योजना अप्रासंगिक हो जाएगी। सरकार तुरंत प्रदेश में बेकाबू हो रही महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम उठाए। तो यही थी अपडेट दिन भर की। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कमेंट और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय हिमाचल।